अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर सहकारिता माध्यम से बेहतर पुनर्निर्माण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने वर्चुअल 55 गोदाम का लोकार्पण और 114 गोदाम का शिलान्यास किया। सीएम शिवराज ने कहा कि हम सभी मिलकर काम करेंगे, इसी को लेकर सहकारिता शुरू हुआ है। सीएम ने बताया कि सरकार ने 1,28,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं किसानों से खरीदा है। सीएम ने कहा कि सहकारिता आंदोलन ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएगा। सहकारिता के क्षेत्र में अभी भी काम करने की जरूरत है। सहकारिता के क्षेत्र में एक्सपर्ट्स को जोड़ने की जरूरत है। साथ ही साथ सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि कोरोना के संकट के दौरान सीएम ने अच्छा काम किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई महीने के प्रथम शनिवार को होता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में सहकारी आंदोलन को, जो ट्रेडिशनल रूप से सहकारी आंदोलन सहकारिता चलती है, पैक्स सोसाइटिया, सीसीबी बैंक प्लस अपेक्स बॉडी, इस पर हम खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो परंपरागत हम काम करते हैं, खाद्यान्न वितरण से लेकर उपार्जन से लेकर ऐसे कई प्रकार के कामों में, दुग्ध संघ से लेकर फिर हमारे मत्स्य संघ से लेकर, उसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं।